अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने है मस्जिद जिन, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है, जो पुरानी पुरानी मस्जिद नहीं है, इसे कई बार शहीद करके नई तरीके से बनाया गया है। तो मस्जिद जिन में आ चुका हूँ, अभी अभी असर का टाइम हो गया है तो नमाज पढ़ लेता हूँ असर की और फिर बाहर निकलता हूँ यहाँ से। तो अभी नमाज अंदर अदा करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। बाहर से आपने मस्जिद को देख ली पूरी, अंदर से देख लीजिए। अभी ये जूते उतार के रख दूँ मैं पहले। और ये अंदर की मस्जिद है। यहाँ पर भी आपको पानी मिल जाएगा इस मस्जिद में भी। इस मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाह उनके साथ आप रात के समय आए और इस मस्जिद के आगे एक लाइन खींची और आपने साहबी को कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इस लाइन के आगे मत आना। और फिर आप जिनों को कुरान सुनाने गए अंदर, और यहीं से जिन्होंने कुरान सुना और वो ईमान ले आए, यही मस्जिद है वो, और यहीं पर सूरह जीन भी नाजिल हुई है, यही मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम जा रहे हैं मक्का लाइब्रेरी, जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, वहाँ पर जा रहे हैं। ये मस्जिद जिन से मैं निकल चुका हूँ, अभी मस्जिद जिन से मुझे चल के जाना है उधर उधर की ओर। ये जगह की मुझे 100% जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे गाइड ने बताया कि ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो मुझे कोई मौजज़ा बताएं। तो आज यहाँ जो मस्जिद बनी है वहाँ पहले एक पेड़ था, तो आपने उस पेड़ को बुलाया तो वो पेड़ ज़मीन से उखड़ कर आपके पास आ गया। वो पेड़ आज तक था, लोग उस पर चद्दरें चढ़ाते थे। तो सऊदी हुकूमत ने उस पेड़ को हटा के वहाँ पर एक मस्जिद बना दी, जैसे कि हर तरफ मस्जिदें उन्होंने तोड़ दी है, सारी अच्छी मस्जिदें, और ज़्यादातर मस्जिदें तो बंद ही है। मस्जिदुल हरम के बिल्कुल पीछे वाले गेट की तरफ है ये, वो जो आप येलो कलर के बिल्डिंग देख रहे थे वही है मक्का लाइब्रेरी। ये आ गए हम मक्का लाइब्रेरी। यहीं पर बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश की जगह है ये, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। ये इन बोर्ड के ऊपर लिखा है, ये बोर्ड अभी आपको मैं इनके पास लेकर जाता हूँ। ये बोर्ड को देख लीजिए अच्छे से, जो यहाँ आकर गए हैं उन्होंने तो बहुत करीब से देखा होगा। ये बिल्डिंग नई बनाई गई है, इसके अंदर किताबें रखी गई है। मक्का लाइब्रेरी के नाम से ये बिल्डिंग है। अभी बिल्कुल हरम के पीछे वाले गेट है ये वाला, उसके सामने। और ये इन बोर्ड पर लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ लेना मैंने जो आपसे कहा। और ये इसके अंदर की कुछ तस्वीरें जो अंदर से बिल्कुल ऐसी दिखती है ये बिल्डिंग।
पीछे की ओर भी कुछ बोर्ड्स लगे हैं और इस पर भी कुछ लिखा गया है। लिखा है, मेरे मुसलमान भाई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के यथार्थ स्थान का कोई सबूत प्रमाण नहीं है। इस स्थान से बरकत प्राप्त करना या विशेष रूप से नमाज पढ़ना या दुआ करना शरीयत की दृष्टि से वैध नहीं है। और ये दूसरे बोर्ड पर कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर कुछ लोग सजदा कर रहे हैं, कोई नाम लिख रहा है, ये देखिए ये नाम लिख रही है कोई औरत, कोई हाथ टेक कर दुआ मांग रहा है, कोई दूर से दुआ मांग रहा है। और ये सब करने पर भी लोग इन चीज़ों पे अमल नहीं करते, ये देख रहे हैं आंखों के सामने लगाए उनकी, लेकिन फिर भी अमल नहीं करते लोग। ये अल्लाह का घर सामने है, उससे दुआ मांगने की जगह यहाँ से दुआ मांग रहे हैं। देखिए ये दो औरतें आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी इनको कौन देगा, यहाँ से अंदर है कौन तो इनको कुछ दे देगा। इसका कोई सबूत नहीं है कि यहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, क्योंकि ये चीज़ ना ही हदीस में है ना ही कुरान में है, बस कही जाती है। इसलिए पीछे बोर्ड लगाए हुए हैं इसके, आप अगर आएंगे तो पीछे देख लेना, और मेन गेट पर भी सामने ही है, उसके बाजू में ही लिखा हुआ है। यहाँ पर किसी जात की कोई नमाज नहीं होती, या जैसे कि कुछ जगहों पर कहा गया है कि यहाँ दो नफल पढ़नी है, जैसे यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मान्य नहीं है कि आपको पढ़नी ही है। और ये अभी मैं जा रहा हूँ हरम में, बिल्कुल हरम के सामने वाले गेट से ही है। और ये नए हाजी ग्रुप्स जो कि इसे देखने के लिए आए हैं, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ये मस्जिद अल हरम के बिल्कुल सामने है, और इसके बाजू में बिल्कुल ये बिल्डिंग बगल में बिल्डिंग है, उसके बाजू में ही है जन्नतुल माला कब्रिस्तान है बाजू में, और ये बीच में है और सामने की और हरम।